वहीं उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी ने बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन पर कार्रवाई की है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीजेपी नेता और उत्तराखंड के प्रभारी श्याम जाजू से इस मसले पर खास बातचीत की हमारे नेशनल अफेयर एडिटर प्रखर प्रकाश मिश्रा ने। भारतीय जनता पार्टी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका सीधे तौर पर संदेश दे दिया गया है। ऋषिकेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी हो रही है। उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दो उन्होंने बड़े संदेश दिए हैं वो क्या हैं, उनसे जानता हूं। आपकी ये तो माना ही जाता है कि अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी में, फिर भी लोग अनुशासनहीनता करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं संभल के बोलिए, तो प्रणव कुमार चैंपियन के लिए आपने क्या संदेश दिया है और सीधे तौर पर जो स्पीकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी है उसमें क्या कहा गया है? हमारे विधायक प्रणव चैंपियन के बारे में कई दिनों से हमारे पास शिकायतें आती थी, एक पत्रकारों से उनका जिस प्रकार का वार्तालाप हुआ है दिल्ली में, इन सब बातों का संज्ञान लेकर पार्टी ने अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी इसका मैसेज देने के लिए कल उनको नोटिस दे दिया है और 3 महीने के लिए सस्पेंड किया है। उनको अपना बात कहने के लिए भी मौका दिया गया है। वैसे ही ऋषिकेश में हमारे स्पीकर प्रेम अग्रवाल जी, इनके खिलाफ हल्की टिप्पणी करना, गाली गलौज करना, पब्लिकली गलत बोलना, इस प्रकार का जो व्यवहार देखा गया, स्पीकर का पद ये गरिमा पद होता है, उसका मेंटेन वो केवल हाउस तक सीमित नहीं है, उसकी गरिमा कायम रहनी चाहिए, इसीलिए भगत राम कोठारी जी को भी पार्टी ने नोटिस दिया है और सस्पेंशन किया है। ये जो सस्पेंशन हुए इसके बाद आज जो कार्यकारिणी के अंदर डबल इंजन और यहाँ ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री ने 100 दिन का एजेंडा दिया है, किस तरीके से आप तीनों सरकार को जोड़कर विकास का काम करेंगे? हमारे राज्य सरकार को भी 2-2.5 साल पूरे हो रहे हैं, अब 2 साल के बाद चुनाव के लिए सामने जाना है। 2-2.5 साल के काम पर लोगों ने अच्छे प्रकार से सर्टिफिकेट दिया है, 5 की 5 सीटें हमारी जीता दी है और आने वाले दिनों में सरकार और संगठन का ठीक ठाक समन्वय करके उत्तराखंड के विकास के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और केंद्र सरकार की पूरी तरह से मदद हमें मिल रही है। खास तौर पर मैंने कहा कि आपको गंगा की सफाई करनी है और यहाँ पर स्थानीय निकायों में भी आप जीते हैं, स्मार्ट सिटी देहरादून कैसे बनेगा? निश्चित रूप से केंद्र सरकार टाइम बाउंड टारगेट लेकर सभी मंत्रियों को, प्रशासन को उस प्रकार के टारगेट दिए हुए हैं, उसी प्रकार के टारगेट लेकर संगठन और सरकार इसका परफॉर्मेंस सुधारने के लिए हम वचनबद्ध है और उसी प्रकार की चिंता और चिंतन इस बैठक में होने वाला है। आने वाले दिनों में हमारे क्या प्रोग्राम रहेंगे, किस प्रकार से जनता के संपर्क में हम जाएंगे और सरकारी योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा, इन सब बातों का चिंतन इस बैठक में होने वाला है। रोजगार देना बड़ी समस्या है, पलायन रोकना बड़ी समस्या है, इनके लिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है और चार धाम की जो आप सड़कें बना रहे हैं उससे पर्यटन के माध्यम से कितना रोजगार लाएंगे? पर्यटन इस प्रदेश का आत्मा है, पर्यटन पर प्रदेश चलता है और आपके ध्यान में आएगा पर्यटकों की संख्या में, तीर्थाटन करने वाले प्रवासियों की संख्या में अब बहुत परिवर्तन आया है, बहुत वृद्धि हुई है। ये वृद्धि का स्वाभाविक फायदा प्रदेश की जनता को हो रहा है। होम स्टे की योजना, 5,000 नए होम स्टे हमने बना दिए और लोग उसको बहुत अच्छी तरह से पसंद कर रहे हैं। आज ये 1-2 घंटे में मुख्यमंत्री ये घोषणा करेंगे, डिफेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से कोस्टल गार्ड के रिक्रूटमेंट और स्किल डेवलपमेंट का विषय उत्तराखंड से शुरू हो रहा है। उत्तराखंड के लोगों को पलायन रोकने के लिए और रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त करने के लिए जो जो हमारी कल्पना है उसको हम क्रियान्वित करने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी उसको अच्छा रूप दिखेगा। सीधे तौर पर श्याम जाजू का कहना है जो संकल्प पत्र है उसको धरती पर उतार दिया जाएगा और सिर्फ अब 2.5 वर्ष बचे हैं, यहाँ फिर से चुनाव होना है, स्थानीय निकायों में भी बीजेपी है और सीधे तौर पर प्रदेश में बीजेपी है, देश में बीजेपी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबको रोजगार देना है और अनुशासनहीनता किसी भी हालत में पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इस अनुशासन से चले तो जरूर हम ये कह सकते हैं कि समय के संग भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए उनकी सरकार पूरा करेगी, अगर वादे पूरे नहीं करेगी तो जो यकीन आज है वो यकीन भविष्य में रहेगा, ये कोई नहीं कह सकता है। कैमरामैन कुलदीप के संग मैं प्रखर प्रकाश मिश्रा, NWI ऋषिकेश।